सर्विवासाय नित्याय परमात्मनि बलभद्रसुभद्राभ्याम् जगन्नाथाय नमः। जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्थभराय च लीलाचरनिवासाय जगन्नाथाय नमः। जय जगन्नाथ। इधर हो जाए गाड़ी लोग कितने अभी कितने दूर दौड़ना जाने हरिशरणं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीरिजस्य च वक्षसि जस्यस्ते हृदे संवित्तं नृसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरु मुनीनां। जन्मद्यस्य च तन्मयादितरतः चार्थे स विज्ञस्वराटं तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवयिं मह्यं ते जत्सूरयः। तेजो बारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धमना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानन्द परब्रह्म कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत कोटि ब्रह्मांड को रचना करने वाले अकारण करुण अहितिक कृपा सिंधु सर्व जीव के अधीश्वर सर्व का नियंता जो अपना किया हुआ संकल्प से इस विश्व को रचना किए हैं, खुद उपादान कारण और निमित्त कारण बन गए, वही परमेश्वर की अहित की कृपा से हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। कई लाख योनियों में भ्रमण करते हुए जीव भगवत विशेष अनुग्रह से ये दुर्लभ मानुष्य शरीर को प्राप्त किया है, जिससे
भगवान का अहित की कृपा है कि हमें दिव्य ज्ञान मिला है। हमारे अंदर बुद्धि का विकास है जिससे हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं। ये जो अनमोल सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है उसको हम खोना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान का अघटन घटन पटियसी जो माया शक्ति है उनका प्रभाव इतना प्रबल है कि हम सबको उसके अचिंत्य प्रभाव से हमें अभिभूत कर रही है। और जो सत्य नहीं है वो सत्य जैसा प्रतीत होते हैं, और जो सत्य हैं वो छिपा रहता है। कण कण में जो सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, जो परम दयालु कृपा सिंधु हैं, वो सबके अंदर अंतर्यामी रूप में विद्यमान है। लेकिन इस माया का प्रभाव से हम उनको भूल चुके हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में श्री व्यासदेव जी बताते हैं कि जन्माद्यस्य जतः, जो परब्रह्म से इस संसार का सृष्टि पालन और संहार लय आदि क्रिया घटित हो रहा है वही परब्रह्म है। अन्य व्यतिरेक करने के बाद जो अवशेष रह जाते हैं नेति नेति माध्यम से सबका निराकरण करने के बाद जो सत्य रहते हैं वही ब्रह्म है, वही भगवान है। और यह आदि कवये, आदि कवि प्रजापति ब्रह्मा है, वो उनका पुत्र हैं, उनसे पैदा हुए हैं, जो एक निमित्त बनकर भगवान का संकल्प पूर्ण करने के लिए सृष्टि को रचना करते हैं। और जिसका प्रभाव देवताओं को भी मोहित कर देता है, और वो अचिंत्य शक्ति माया स्वरूपिणी शक्ति का इतना प्रभाव है कि तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो, अर्थात तेज में हमें पानी का आभास हो रहा है, जैसे सूर्य के किरण के प्रतिबिंब के द्वारा मरुभूमि में जैसे मरीचिका परिदृश्यमान होती है, वो साक्षात जल का एक भंडार जैसा दिखाई देती है, लेकिन हम जितना उसके नजदीक जाके जल पीने के लिए व्याकुल होंगे उतना ही पीछे वो भाग जाएगी, क्योंकि वो दृश्यमान ही है, सच तो जल है ही नहीं उधर उधर, सिर्फ ये आभास के रूप में प्रतिबिंब, सूर्य किरण के प्रतिबिंब के रूप में जल के जैसा दिखाई दे रहा है। वैसे जल भी कभी कभार मिट्टी जैसा दिखाई देते हैं। हाँ, तो ये जो मन का भ्रम होता है ये भगवान का अचिंत्य शक्ति है। हाँ, तेजो वारी मृदाम जथा विनिमय, ये विनिमय हुआ है। और त्रि जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्गो मृषा, जो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति आदि की अवस्था, हाँ, ये सब मिथ्या हैं। उनके अंतराल में परमात्मा का जो सत्य सत्ता है वही सिर्फ सत्य है।
और वो कैसे हैं? अपने धाम में, अपने स्वरूप में माया उनको स्पर्श तक नहीं कर पाती है। स्वधामना स्वीन अपनी धाम में प्रभु को माया स्पर्श नहीं कर पाती है। माया उनका शक्ति है, उनको मोहित करने का ताकत माया में है नहीं। तो वो सत्य स्वरूप, सत्य का आधार पर ब्रह्म परमात्मा भगवान जिसको बोलते हैं, वो पूर्ण पूर्णतम लीला पुरुषोत्तम भगवान ब्रजेन्द्र नंदन जो श्री कृष्ण हैं, वही साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। उनको हम ध्यान करते हैं, लेकिन यहाँ पे सत्यम परम धीमहि व्यासदेव जी ने बोलते हैं। तो सत्यम परम, परम सत्य को हम ध्यान करते हैं। यहाँ कोई डायरेक्ट जो है साकार ब्रह्म का स्मरण नहीं किया गया है, वहां परम सत्य तत्व जो वही है उनको प्रथम वंदना करके वेद व्यास भगवान श्रीमद् भागवत शुरू करते हैं। तो हम उसी मंगल में प्रभु के मंगल कथा सुनना चाहिए, उनका लीला रस कथा श्रवण करना चाहिए, उनका नाम नित्य निरंतर लेना चाहिए, उनसे जीव का कल्याण है। अन्यथा कदाचित जीव को अपना स्वरूप से अलग होने के कारण कभी भी नित्य आनंद, नित्य सुख, नित्य तृप्ति वो प्राप्त नहीं हो पाएगी। हरे कृष्ण हरि ओम। शांति 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 ही शरण हरि शरण।
तो